क्या आप वेट लॉस करना चाहते हैं? क्या आप परेशान हैं दवाओं का इस्तेमाल करते करते और आपका वजन कम नहीं हो रहा है? तो आप मुलाकात करें डॉक्टर फातिमा शिराजी से और 15 दिन में 5 किलो तक अपना वजन घटाइए। चैलेंज के साथ होममेड प्रोडक्ट के साथ आपका वेट लॉस किया जाएगा। नो डाइट, नो एक्सरसाइज, नो साइड इफेक्ट। कॉन्टैक्ट करें डॉक्टर फातिमा शिराजी, गोल्डन हाइट्स कॉलोनी, पिल्लर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाए, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। बोलिए। मैं मोहम्मद अबराल हक बिहार से आया हूँ। जी जी, बोलिए, क्या मसला है आपका भाई? मसला ये है कि हम लोग वो जमीन जो जिसमें रहते हैं, हम लोग सरकारी जमीन है और 1975 से हम लोगों के पास जमीन के तमाम कागजात है। 2012 में हम लोग को सरकारी जमीन से नपाई हुई है मुकम्मल। अभी जो कब्जा कर रहा है वो नपाई के टाइम पे वो भी था, उसका भी साइन किया हुआ है। जब 2018 में हम लोग को घर तोड़कर दूसरा घर बनाने जा रहे थे तो हम लोग को घर उठाने के लिए नहीं दिया दोबारा। हम लोगों से फ्री में जमीन मांग रहा था, जब हम लोगों ने देने से इनकार किया तो मांग रहा था। एक गांव वाला है, प्रमुख है, वो जीता हुआ है, समिति एक गांव का लीडर है। जब हम लोगों ने नहीं दिया तो हम लोगों को मारा, मेरी वालिदा को, वाले साहब को, चाचा को, सब किसी को जेल भेजा। पुलिस कंप्लेंट करो ना भाई, वो केस चल रहा है। तो फिर दिक्कत क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? बस आपकी मदद चाहिए कि इसमें क्या, क्या कर सकते हैं? ये अख्तरुल ईमान साहब है ना, उनके भांजे कब्जा करके रखे हैं। अख्तरुल ईमान के भांजा, MIM पार्टी के उनके भांजे है। तो आप कंप्लेंट करें अख्तरुल ईमान को, उनके पावर का मिस यूज हो रहा है। हाँ, उनका पावर का गलत यूज हो रहा है। मैं उनको कंप्लेंट कहा तो उन्होंने क्या कहे कि उनको अगर जरूरत है भांजे को दे दो, मैं उनके लाठी के चोट पे तुमको जमीन नहीं दिला सकता हूँ। मैं कहता हूँ वो बात नहीं मान रहा है। तो हम लोग हर कंप्लेंट करे उस पे, कंप्लेंट किस चीज में? हम लोग कुछ भी नहीं, हम लोग पार्टी में मैं दारू सलाम में असद साहब के पास 3 दिन से मुलाकात करने की कोशिश कर रहा हूँ। असद साहब ऑफिस को नहीं आ रहे। कल मुझे बात हुई असद साहब से तो फोन किया तो क्या कह रहे कि मैं तुमको आने के लिए कहा है क्या? नहीं, आने के लिए कहा है, पूछ के नहीं आए, बस फोन कट कर दिए। मैं दूसरी बार रिकॉर्डिंग करा करो ना भाई तुम लोग। ऐसी चीजों की रिकॉर्डिंग करना चाहिए ना, जब अच्छा। आप किसी से बात कर रहे हो तो अपने पास प्रूफ भी होना ना। प्रूफ भी होना जी। आप अभी कहाँ हो? मैं बाबू नगर है शायद, हैदराबाद। दारुसलाम में गए आप? अभी भी हैदराबाद में ही है ना? हैदराबाद में हूँ, 3 दिन से मैं दारुसलाम गया हूँ। ये पूरे चारों MLA से मिला, सबको कह रहे कि तुम बिहार से यहाँ क्यों आए। वही अख्तर लिमान साहब को बोला, बोलो बोलकर बोले, वो फैसला करेंगे। जी चालू रखिए आप। जी हाँ, तो बोले के ये जाफर अली साहब बोलकर ज्या व्यक्ति शी बोलत आहत त्यांनी आपला कॉल होल्ड वर ठेवला आहे, कृपया लाइन वर रहा। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आपण ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्यांनी आपला कॉल होल्ड वर ठेवला आहे, कृपया लाइन वर रहा। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया। वालेकुम अस्सलाम। एक मिनट, कॉन्फ्रेंस पे नहीं आए, उन्होंने फोन नहीं उठाया। आपण ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्यांनी आपला कॉल होल्ड वर ठेवला आहे, कृपया लाइन वर रहा। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहे। योर कॉल इज ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन लाइन और कॉल बैक लेटर। आपण ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्यांनी आपला कॉल होल्ड वर ठेवला आहे, कृपया लाइन वर रहा। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहे। योर कॉल इज ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन लाइन। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। बोलिए। वालेकुम अस्सलाम। ऐसा मसला है, दारुसलाम में भी आप गए थे ना? जी जी, दारुसलाम में गया था मैं,
तो परसों भी गया था, तो परसों किसी से मुलाकात नहीं हुई जुम्मा के दिन, तो कल गया था, तो जाफर अली साहब बोल के एक एमएलए हैं, तो उनसे मैं मिला के देखो ऐसा ऐसा मामला है, तो कहाँ से आया, बोले मैं बोला बिहार से आया हूँ, तो बोले कि वहाँ अख्तर इमाम साहब है ना, हमारे पार्टी के आदमी साहब है, मैं बोला उनके पास गया, उनका भांजा ऐसा कर रहा, तो बोले कि हम लोग यहाँ का मामला होता तो हम लोग कुछ कर सकते थे, लेकिन बिहार का हम लोग कुछ नहीं कर सकते बोलकर तुम वापस चले जाओ बोलकर कल भी बोले। फिर मैं क्या करा, अहमद पाशा साहब बोलकर है एमएलए, उनसे मिला, तो वो कहे कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, साहब आएंगे असद साहब उनसे मुलाकात करो। अहमद बलाला साहब से मुलाकात किया, तो यहाँ कई को आए, वही तुम असद साहब से मुलाकात करो। तो फिर मैं बाद में असद साहब को फोन किया, तो तुम यहाँ कई को आए, मेरे को पूछ के आए क्या, मैं कुछ नहीं कर सकता बोलकर ये कर दिया, उन्होंने फोन कट कर डाले। क्या फोन कट कर डाले? अभी कब तक है आप हैदराबाद में? बस हम लोग, हमारा काम हो जाएगा, हम लोग चले जाएंगे, घर में रहने के लिए घर नहीं है, हम लोग का घर का हालात आप देखेंगे तो वो कुत्ता भी नहीं सो सकता है, इतना बुरा हाल है हम लोग का घर का। तीन साल से जवान बहन है, घर वाले हैं, बहुत परेशान है। आप चाहे तो गांव वाले के पुलिस स्टेशन से मालूम कर सकते हैं, छोटा बाबू सीओ साहब वो जितने भी आलम सब आदमी को मालूम है कि जमीन हमारा है, सब चीज हमारा है, लेकिन कोई उसका वो गलत होते की वजह से, उनके पावर की वजह से कोई एक्शन नहीं लेता है। इसलिए हम लोग जब उधर नहीं हो रहा काम, इसलिए हम लोग इधर आ गए हैं ताकि हमें कुछ मदद मिल जाए और हम लोग भी जिंदगी गुजारें। अच्छा ठीक है, मैं कॉल कर रहा हूँ आपको एक 10-5 मिनट से। ठीक है सब, ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम। अगर हमारी न्यूज आपको पसंद आई है तो सबसे पहले शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फिर खास तौर पे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।